ये वीडियो उनके लिए जो भाई तुरंत चाहते हैं बुक करने के लिए। और जिन्होंने बुक कर भी दी है। तो रुको जरा, सबर करो, अभी अभी थोड़ा क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बाकी है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कि कभी स्पीकरों में से आप छोटी छोटी नॉइस आती है, चिल्ची आवाज आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, कभी ये इनका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम ये देर से खुल रहा है या खुल ही नहीं रहा है। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई समय यूट्यूब पे या कहीं भी थार की हवा लहर चल रही है, इतनी ज्यादा थार ही थार है, लोग बिल्कुल दीवाने हो गए और हुए भी क्यों ना, गाड़ी इतनी जबरदस्त बनाई है, इतना इंतजार यहाँ तक कि ये वाले पोस्ट भी चल रहे हैं लोग की न्यू थार इज ओके बट ओल्ड थार, ये वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है कि ओल्ड थार की फोटोज लगा रहे हैं, या चलो नई थार आ गई बढ़िया है पर पुरानी से अलग ही उन्हें प्यार है। ओल्ड तो ओल्ड ही है भाई, देखो जो बात है उसकी तो कोई बराबरी है ही नहीं। ये क्या बढ़िया निकालिए, अच्छे फीचर्स दिए हैं, अच्छा प्राइस दिया है। महिंद्रा ने अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करी है कि वो कस्टमर्स को डिसअपॉइंट ना करे, उन्होंने अपनी बेस्ट, किसे कहते हैं ना कि हम अपने एग्जामिनेशन करके आते हैं तो उसका बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, महिंद्रा ने वो वाला काम करा है। पर ये वीडियो कुछ अलग है, ये वीडियो है देखो सब आपने देख ली होगी गाड़ियाँ, बहुत लोग दिखा रहे हैं हर चैनल पर, पूरे सब कुछ सब जान गए, सबने अच्छे से देख ली गाड़ियाँ। लेकिन लेकिन ये वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, ये वीडियो उनके लिए जो भाई तुरंत चाहते हैं बुक करने के लिए और जिन्होंने बुक कर भी दी है। तो रुको जरा, सबर करो, अभी अभी थोड़ा क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो भाई ये भाई इस चीज की बात है कि देखो आपने बुक कर ली है, फर्स्ट लॉट की आपकी गाड़ी होने वाली है। आपको शायद पता होगा कि महिंद्रा की फर्स्ट लॉट की जो गाड़ियां होती हैं, आपको शायद ना भी पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिसने फेस करी होगी फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। हमारी खुद की नोन में बहुत लोग हैं जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी लेके, हमसे बेहतर कौन जानता, हम खुद ही है भाई। हाँ, हम तो खुद ही हैं, पर हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी लेके बहुत पछताए हैं, क्योंकि महिंद्रा जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी निकालता है उसमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का आती है दिक्कत, पर 80% चांसेस हैं कि वहाँ कुछ दिक्कतें हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हमने अपनी गाड़ी ली थी, हमारी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, हमारी गाड़ी गाजियाबाद में पहली थी भाई, ये एक प्राउड मोमेंट भी था उस टाइम पे हमारे लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे चल के हमें ये एक हमारे लिए वो डिसएडवांटेज बन जाएगा, बन जाए। मतलब सिरदर्दी की, अब पहले जब हम शुरुआत में लेके निकलते थे गाड़ी तो लगता था हाँ ये गाड़ी सिर्फ मेरे पे, ये लोग पूछते थे और ये कौन सी गाड़ी आ गई, नहीं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं थी उस टाइम पे, जब ये गाड़ी स्कॉर्पियो नई नई आई थी, क्योंकि लोगों को इतना पसंद था, यूनिक नया डिजाइन था उस समय के हिसाब से। अब तो कॉमन है, जब जैसा भी था, पर उस टाइम से जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई मेरी गाड़ियों में, जो आज तक मैं फेस कर रहा हूँ उसमें, जो कि मेजर प्रॉब्लम है कि मेरी गाड़ी में आज तक पेट्रोल की स्मेल है, वो अभी तक मैं फेस करता हूँ कि गाड़ी जब भी मैं ऑन करके खड़ी करता हूँ तो इसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है, क्यों आती है। पर ये फर्स्ट लॉट की गाड़ियों की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अब मैं बेकार गलत बात कहनी नहीं चाहिए, अब गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आ रही, सुधार दिया है महिंद्रा ने। अब गाड़ियों में जो बाकी लॉट की वो चेंज होती रहती है, उन्हें पता लगता रहता है प्रॉब्लम से, उसमें वो वर्क करते हैं। तो मेन टॉपिक यही है कि थार जैसे अब हमारी आने वाली है फर्स्ट लॉट की, तो उनमें कोई दिक्कत ना हो। दशहरा से बुकिंग, डिलीवरी हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कि कभी स्पीकरों में से आप छोटी छोटी नॉइस आती है, चिल्ची आवाज आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, कभी ये इनका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम ये देर से खुल रहा है या खुल ही नहीं रहा है, कभी इनका घेर मार दिया है लेकिन कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, सनरूफ लीक हो रही है, वो तो भाई उससे तो सभी वाकिफ है, यहाँ तक कि इस गाड़ी का पूरा इंजन चेंज हो चुका है उसके बाद भी इसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, तो आप बताओ कि बंदा कितना ही झेले ये सब चीजें। फर्स्ट लॉट की गाड़ी में होती है इंजन चेंज पूरा, आप नहीं, कई लोग तो जो हमारे सब्सक्राइबर उनको पता होगा, अगर आप नहीं हो तो पुरानी वीडियो चेक करो, एक चीज दिखाई है हमने पूरी स्कॉर्पियो की, कब इंजन चेंज हुआ, कब क्या क्या प्रॉब्लम है, सब दिखाया टोटल। तो कहने का बस यही है इस वीडियो में, कहने का मोटिव यही है कि पर्सपेक्टिव यही है कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा वो तो हो कि हाँ नई गाड़ी आगे, इसमें नई नई फीचर्स होंगे, थार जो उन्होंने पुरानी बनाई है उसमें तो चलो जो भी है उसमें कोई प्रॉब्लम जहां तक है फेस नहीं करता है बंदा, में प्रॉब्लम उसमें भी थी, जब धीरे धीरे ठीक हुआ, 127 डालो तो में अब थी, ये सब में होती है, सब में थी। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे लैग्स अभी भी इसमें हो सकते हैं रॉक्स में, जो फर्स्ट लॉट में आएंगे, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट गाड़ी निकलेगी, कुछ ना कुछ लैग्स आएंगे और जो कि ठीक हो जाएंगे, जो कि आगे आने वाले लॉट्स में हो जाएंगे अपने आप। देखो, तो हम यारा कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट लॉट से बचा जाए तो बहुत बढ़िया है, हम भी ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं आगे को कि हम भी लें, पर हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट लॉट निकल जाए, उसके बाद पता लग जाएगा, कस्टमर रिव्यू आ जाता है कि गाड़ी कैसी रही है, क्या कमियां हैं, क्या पेशियां हैं, फिर महिंद्रा की सबसे अच्छी बात यह है वो उनपे वर्क करता है, फिर अपनी गाड़ियां जो निकालता है उसमें वो बेहतर करता है, जैसे कि अब हमारी गाड़ी में स्पीकर में से पानी निकल सकता है, मुझे पक्का पता है, झरने के नीचे रखेंगे तो ये यहाँ से कवर्ड नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं बहेगा अब, पर अब की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम नहीं है,
दूसरी चीज हमारी गाड़ी में अब भी देखो पेट्रोल स्मेल तो बताई थी, दूसरी हमारी गाड़ी की मोटर बहुत आवाज करती है इलेक्ट्रॉनिक सीट वाली। तो अब जो नई थार है उसमें वेंटिलेटेड सीट है, क्या पता उसकी मोटर भी खराब हो जाए या आवाज करे, कुछ पता थोड़ी है भाई। तो कहने का मतलब बस एग्जांपल देने से यही है कि भाई फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में दिक्कतें आ सकती है महिंद्रा वालों की, उससे बचें। देखो काफी लोग सोच रहे होंगे कि महिंद्रा ने थार को अच्छे से 2-3 साल टेस्ट कराया, भाई टेस्ट महिंद्रा ने कराया, लेकिन जब वो कस्टमर के हाथ में आती है ना असली चीज तभी पता लगता है, वो कस्टमर के यूज पे डिपेंड करता है। कंपनी ने तो अपने हिसाब से भाई गाड़ी को कंपनी ने तो गाड़ी एक बार टेस्ट कर ली, एक साल टेस्ट कर ली, कस्टमर के बाद 10 साल रहेगी वो गाड़ी, तो कस्टमर को ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, अच्छे से पता लगता है। और आफ्टर सेल सर्विस भी चलो अब तो महिंद्रा धीरे धीरे सुधार कर रहा है, लेकिन काफी जगह कभी भी लोग कमेंट करते हैं कि वो परेशान है अभी भी इनसे। खैर वो धीरे धीरे सुधरेगी जब गाड़ियां ये लोग बढ़िया, गाड़ी तो भाई बढ़िया बनाते हैं, गाड़ी को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को भी रिजोल्व करेंगे अच्छे से तो और ज्यादा बेहतर रहेगा कस्टमर। क्योंकि अभी अब देखो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, पैनोरामिक सनरूफ इंट्रोड्यूस करे थार में, और क्या कहते हैं कि बहुत नई नई चीजें जैसे हो गई, एडास डाल दिया थार के अंदर, आपका वेंटिलेटेड सीट डाल दिए, तो क्या कहाँ दिक्कत आ जाए हमें कुछ नहीं पता, क्या पता उसकी वो भी लीक कर जाए यार, कुछ पता नहीं है यार। कुछ नहीं पता भाई, टचवुड ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन गाड़ी आप अभी भी हम यही फिर से कह रहे हैं, सोच समझ के ही बुकिंग डालना गाड़ी की, पहले आ जाने दो शोरूमों पे देख लो अच्छे से, क्योंकि वीडियोस में देखना और जो ये बाकी मीडिया में देखना और शोरूम पे देखने में बहुत फर्क आता है भाई। गाड़ी अच्छे से चला के देखो भाई, बढ़िया टेस्ट ड्राइव लो, कोई प्राइस कोई कम नहीं है, अच्छा खासा प्राइस है, 4x4 के प्राइस अभी तक लाई नहीं है, 4x4 भाई उम्मीद जहाँ तक आ रही है 25-26-27 तक पहुँच सकते हैं प्राइस आराम से, क्योंकि वेरियंट तो इन लोगों ने इस बार बड़े अजीब अजीब दिया, किसी में ऑटोमेटिक दे दिया पेट्रोल में, तो उसमें मैनुअल नहीं है, मैनुअल दे दे तो ऑटोमेटिक नहीं है। खैर चलो वो तो आप वेरिएंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। हाँ, पर बस हमारा तो कहने का मतलब ये, फर्स्ट लॉट से जितना अच्छा ज्यादा हो सके बचा जाए, पर्सपेक्टिव यही है कि अगर बच लोगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम था कहने का भाई, क्योंकि ऐसा है और क्या कर सकते हैं भाई। फर्स्ट लॉट की गाड़ियां हमने फेस करी दिक्कत, तो क्या पता आगे के कस्टमर्स भी करें, हमारा काम है अवेयरनेस देना कि भाई हमारे व्यूअर्स को दिक्कत ना आए, बाद में गाड़ी तो मिलनी, वैसे भी गाड़ी अभी बहुत देर में डिलीवरी करेंगे, अभी तो टाइम लगेगा इसमें। हाँ, भाई तो, और दूसरी चीज टॉप एंड वेरिएंट ये भी डिलीवर होने वाले हैं, इस उम्मीद में मत रहना भाई कि आप बेस मॉडल सेकंड बेस थर्ड बेस ले लोगे तो नहीं भाई, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप मिलेगा। आप भी बेस नीचे का ही बुक कर रहे थे तब आपको जाके फाइनलाइज हुआ था ना, जब आपने बुक किया था हम नीचे का ही कर रहे थे, Z6 करा था मैंने, Z8L जब हुआ उसकी कब आई थी डेट, Z6 की डेट आई मतलब मुझे याद नहीं है, शायद उन्होंने ये कहा था कि Z6 मत करो क्योंकि वो फर्स्ट मिलेगा यही मिलेगा नहीं, उसकी डेट उन्होंने कहा था कि एक साल रुकना पड़ेगा Z6 के भाई, इसलिए साल साल की वेटिंग जाएगी गाड़ी में, अगर गाड़ी अभी चाहिए तो या तो आपको टॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन भी करी है, कौन सी गाड़ी में क्या लैग हो हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी को निकलने दो, आराम से निकलने दो, देखने दो, क्योंकि अब जैसे स्कॉर्पियो एंड अब जो आ रही है ना उनमें बहुत हद तक ना बहुत मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व है, वो गाड़ियां बिल्कुल फाइन गाड़ियां तो नहीं कहेंगे बिल्कुल, पर काफी हद तक फाइन है वो, हम अपनी गाड़ी से कंपेयर करें ना नई वाली गाड़ी की तो भाई बहुत फर्क है, जब डिलीवरी हुई थी हमारी गाड़ी की उसके बाद से जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी ना दिल दुखा था भाई, इतने पैसे खर्च किए, बताओ जल्दी भी गाड़ी मिली, तुरंत बुक करी भाई, तुरंत बुक करना आसान नहीं होता, तुरंत इंट्रोडक्टरी प्राइस पे गाड़ी बुक करी, उसके बाद डिलीवरी मिली ऑन सेम डे, उसके बाद तुम नई गाड़ी में जब प्रॉब्लम फेस करते हो ना तो वो चीजें बहुत बुरी लगती है, तो बस कहने का यही बात है कि रुक के जाए, इतने रुके हो 2-3 साल थोड़ा टाइम और रुक जाओ भाई, क्यों नुकसान क्यों करना, हम तो यही कहना चाहेंगे। चलो भाई बाकी आपके ऊपर है, हम तो समझा सकते हैं, थार से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए हो तो जरूर हमें भाई कमेंट कर दें, गाड़ी अभी शोरूम पे आई नहीं है, जब आएगी तो आपको जरूर दिखा पाएंगे गाड़ी, गाड़ी का कंपैरिजन पूरा अच्छे से करेंगे, उसका बिल्कुल 1-to-1 हर एक चैप्टर पढ़ लेंगे हम, एक भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। ये भी बता चुके हैं हम एक वीडियो में कि थार ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ लोग गलती करेंगे, अब मैं कुछ हद तक लग रहा है तो वो जाके या XUV700 तीनों, ये तीनों जो है ना एक ही रेंज की, मतलब कौन सी गाड़ी प्रैक्टिकल रहने वाली है इन तीनों में बेस्ट कौन सी रहेगी, उसकी भी एक वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी भाई आप देखो और सोच समझ के फैसला लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।